हेलो, वेलकम टू नाइफ एंड कैमरा और मैं आपका शेफ रवि सावंत आज आपके सामने फिर से मुखातिब हूं एक नई रेसिपी के साथ। आज का हमारा जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट पे है। ये एक रिव्यू वीडियो भी है और एक लर्निंग वीडियो भी है और थोड़ा डिगिंग अराउंड भी है कि क्या है एक रेसिपी के अंदर। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कढ़ाई चिकन की। तकरीबन 97 से मैं केटरिंग के प्रोफेशन में हूं, वर्कड इन वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन इंडिया और कई वर्जन्स ऑफ कढ़ाई चिकन मैंने देखे हैं, पर होटल का जो कॉमन वर्जन है चिकन विद टमेटो एंड अनियन ग्रेवी, मोर ऑफ टमेटोस, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अ कढ़ाई मसाला एंड गार्निश्ड विद सम अनियंस एंड कैप्सिकम्स, ये एक बहुत ही कॉमन वर्जन है एवरीवेयर। तो मैं क्वेस्ट में था कि कढ़ाई चिकन की रूट्स कहां से आई हैं। तो खोजते खोजते वो जगह जाके पहुंची हमारी नेबरिंग कंट्री से, जहां पे कढ़ाई चिकन बेसिकली पूरे पूरे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका नाम है कढ़ाई रेस्टोरेंट्स, दे ओनली सर्व कढ़ाई रेसिपीज। आप नीचे एक वीडियो देख रहे होंगे जो कढ़ाई चिकन बनाते हुए है, आप पाएंगे कि सिवाय कढ़ाई डिशेस के वहां और कुछ नहीं बनता और रेस्टोरेंट के बाहर मीट शॉप्स होती हैं, आप मीट खरीदिए और वो आपको कढ़ाई डिशेस बना के देंगे। इट कुड बी कढ़ाई चिकन, इट कुड बी कढ़ाई मटन, कढ़ाई कीमा, कढ़ाई भेजा, सब कुछ कढ़ाई में। लॉजिक सिंपल है, एक आयरन की कढ़ाई होती है, हाई फ्लेम होती है, टमाटोज ज्यादा होते हैं, अनियंस होते ही नहीं है और ये रेसिपी बनाई जाती है। तो मैंने सोचा ये कढ़ाई चिकन जो इंडिया में मिलता है, हम सब खाते आ रहे हैं, वो भी अच्छा है, वी आर प्राउड ऑफ इट, तो लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि इसको बनाना हमारे घर पे बहुत ही आसान है। कढ़ाई घर पे ना हो तो पैन से भी काम चलेगा, तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मगर इस मधुर संगीत के बाद। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन, तो चलिए एक स्पाइस टूर कर लेते हैं। कोरिएंडर, कसूरी मेथी, काली मिर्च और लाल मिर्च, इन सबको लेके एक पैन में ड्राई रोस्ट कर देते हैं। यही होगा हमारा कढ़ाई का स्पाइस मिक्स। रेशियो बहुत सिंपल है, सब कुछ इक्वल मात्रा में, कसूरी मेथी बस थोड़ी सी ज़्यादा। अगर आपको मिर्चा ज़्यादा पसंद नहीं है तो मिर्चा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। अब इस सबको एक हमाम दस्ते पे या मिक्सर में कोर्सली पीस लीजिए, बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है। एक कढ़ाई में जो लोहे की हो तो बहुत ही बेहतर है, सरसों का तेल डाल दें और डाल दें आज चिकन। आज मैं लगभग 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चिकन को हमें सिर्फ 70% ही पकाना है। ये रेसिपी हमारी पेशावरी या लाहौरी टाइप की है, वहाँ पर ये स्ट्रीट फूड की तरह इस्तेमाल होती है। डाल दिया नमक, अब इसको हल्के हाथ से चलाते रहें। हमें चिकन को खाली 20% ही पकाना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब इस चिकन को हम तेल से अलग कर लेंगे। अब बचा हुआ तेल जितना हमारे इस्तेमाल का है उसको लेके उसमें डाल देंगे हमारा चिकन जो 20% पहले से पका हुआ है। अब डाल देते हैं कुछ टमाटर जो 1 के 2 या 1 के 4 कटे हों और कुछ हरी मिर्च जो 1 के 2 कटी हों। 1 किलो चिकन में जो मसाला है लगभग 3 टीस्पून जाएगा, तो लगभग 15 से 20 ग्राम। अब डाल दिया नमक जो होगा स्वाद अनुसार और डाल दी हल्दी, बस इतने ही मसाले जाएंगे इसमें। अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, पर मैं आज थोड़ा सूखा वर्जन बना रहा हूँ तो मैं पानी का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल ही नहीं करूँगा, क्योंकि टमाटर में इतना पानी पहले से ही होता है और चिकन का पानी तो फिर है ही। इसे हल्के हाथ से चलाते हुए
आंच को तेज रखें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब इस पे एक ढक्कन लगा दें और अब आंच को धीमा कर दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलने का वक्त आ गया। चिकन अब लगभग पक ही चुका होगा। आपको पता है टमाटर एक फल है, सब्जी नहीं। अब इसे एक बार चला दें और सीजनिंग को चेक कर लें। अब परोसने के लिए हमारा चिकन एकदम तैयार है। इसे नान, रोटी अथवा चावल के साथ नोश फरमाइएगा और बीच बीच में जो टमाटर की स्किन है ना, इसको रिमूव करते चलिए, ये पकती नहीं। मिला दिया थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे अच्छे से पका लें ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट की कच्ची स्मेल ना आ जाए। और अब इसे परोस दें गर्मा गर्म, जो खाएं चावल या नान के साथ। तो रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद।